हेलो एवरीवन, मायसेल्फ प्रमोद ढाका और मेरा नाम हेमंत अग्रवाल है। तो डियर, आज हम आपके लिए हमारा गुरु नीति का जो अगला वीडियो है, 11th जो वीडियो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो लेकर आए हैं। अभी तक हम लोग मैकेनिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अलावा हमारा मैकेनिक्स बोले तो यूनिट डायमेंशन से लेकर रोटेशनल मोशन तक हमने कंप्लीट किया है। उसके अलावा लास्ट वीडियो ग्रेविटेशन का था और ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये SHM का है। सो सर, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहला क्वेश्चन है, A particle perform SHM in a straight line. In first second, starting from rest, it travels a distance A. In next second, it travels a distance B in the same direction. The amplitude of SHM is. ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग फेजर डायग्राम से सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर हम इस पार्टिकल का फेजर डायग्राम बनाएं, तो ये पार्टिकल जो है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच ऑसिलेट कर रहा होगा, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है, इसका मतलब पार्टिकल या तो इस वाले एक्सट्रीम पे होगा या इस वाले एक्सट्रीम पे होगा। ठीक है। तो इस वाले एक्सट्रीम पर होगा तो पार्टिकल यहां पर होगा। ठीक है। और लेट्स से अगर पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, एक सेकंड में ये पार्टिकल कितना एंगल ट्रैवल करेगा, तो ओमेगा ट्रैवल करेगा। एक और सेकंड में कितना एंगल ट्रैवल करेगा, एक और ओमेगा ट्रैवल करेगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये ओमेगा होगा और ये वाला एंगल भी ओमेगा होगा। ठीक है। यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये a बता रहा है। जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक गया, SHM वाला पार्टिकल यहां से यहां तक गया होगा। इसका प्रोजेक्शन अगर हम लोग देखेंगे यहां पर, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये b हो गया होगा। ठीक है। एम्पलीट्यूड SHM का a मान लेते हैं, है ना। एम्पलीट्यूड जो SHM का है वो हम लोग a मान लेते हैं। यहां से अगर हम लोग देखें तो a cos ओमेगा, अगर हम लोग देखेंगे तो a cos ओमेगा जो है वो कैपिटल a माइनस स्मॉल a आ जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे a cos ओमेगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल a माइनस स्मॉल a, और ये टोटल एंगल 2 ओमेगा है, तो a cos 2 ओमेगा कितना हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग लिखेंगे a cos 2 ओमेगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल a माइनस a प्लस b, है ना। ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का ये वाला डिस्टेंस। ठीक है। बहुत सिंपल है। यहां से cos ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां से cos ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 माइनस स्मॉल a डिवाइडेड बाय कैपिटल a। ठीक है। और यहां से अगर cos 2 ओमेगा को है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ओमेगा माइनस 1। ठीक है। और लेट्स a से डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 1 माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय कैपिटल a। और बहुत सिंपल है। यहां से cos ओमेगा की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए और इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करके जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो 2a माइनस b डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगी। बिल्कुल सर। ठीक है। तो कैलकुलेशन जो है हम आपके लिए छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है दैट फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ अ पार्टिकल इफ एट डिस्टेंस x1 x2 फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इट्स वेलोसिटीज आर v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें अपन एक सिंपल सी इक्वेशन अपनी SHM में पार्टिकल की पोजीशन बेस्ड वेलोसिटी की जो इक्वेशन होती है, दैट इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में तो अपने पास v1 की वैल्यू आ रही है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, एंड सेकंड केस में पोजीशन x2 पे वेलोसिटी x2 है, सो इट इज v2 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। सो कैपिटल a कैलकुलेट करना है, सो लेट्स डिवाइड दीज इक्वेशंस। तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज v1 बाय v2 स्क्वायर कर लें, v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। लेट्स मल्टीप्लाई इट, v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर द एम्पलीट्यूड कम्स एज अंडर रूट ऑफ v1 square x2 square minus v2 square x1 square divided by v1 square minus v2 square. This will be the amplitude of oscillation. So the correct answer is, think, first one. चलिए सर, चलिए आगे बढ़ाएं बात को। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A particle moves according to the law x equal to a cos pi t by 2. The distance covered by it in the time interval t equal to 0 to t equal to 3 second. ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो पाई बाय 2 के बराबर है ना। तो ओमेगा जो है
ये 2 पाई बाय टी के बराबर होता है और ये पाई बाय 2 के बराबर दे रखा है। तो यहां से जो टाइम पीरियड आ गया ना, टाइम पीरियड 4 सेकेंड आ गया। बिल्कुल सर। और अगर टी इज इक्वल टू जीरो की बात करते हैं, है ना, टी इक्वल टू जीरो की बात करेंगे तो कॉस जीरो है तो ये एक्स इक्वल टू ए आ जाएगा। एक्स इक्वल टू ए जो कि एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये x is equal to 0 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये माइनस a हो जाएगा। तो t is equal to 0 पे पार्टिकल यहां पर है, इसका टाइम पीरियड 4 सेकंड है, तो t equal to 4 सेकंड पे पार्टिकल यहां होगा, 1 सेकंड पे यहां होगा, 2 सेकंड पे यहां होगा, 3 सेकंड पे यहां होगा। तो पूछा है कि पहले 3 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां से लेकर के यहां तक जाकर के फिर यहां से यहां तक आया होगा, तो डिस्टेंस टोटल कितना का ट्रेवल किया, 3a ट्रेवल किया। तो आंसर जो है 3a हो जाएगा इसका। चलिए सर, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दैट टू पार्टिकल एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग टू क्लोज पैरेलल लाइंस, दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ईच टाइम देयर डिस्प्लेसमेंट हाफ देयर एम्पलीट्यूड देयर फेज डिफरेंसेस। तो सर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि पार्टिकल हमेशा जब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से क्रॉस करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग होते हैं। बिल्कुल। तो लेट्स सपोज कि ये t = 0 पर ही ऐसी सिचुएशन है, तो फर्स्ट वाले पार्टिकल की मोशन की इक्वेशन x = a sin ओमेगा t + phi 1 होगी, और सेकंड वाले पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन a sin ओमेगा t + phi 2 + phi 2। तो t = 0 दोनों का ही पोजीशन a by 2 है, a by 2, बट फर्स्ट पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन व्हाइल द सेकंड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम में मूव करता है तो उसका फेज जो है वो 0 से पाई बाय 2 में वेरी करता है, और इस वाले केस में उसका फेज जो है वो पाई बाय 2 से पाई में वेरी करता है। तो अपन इन दोनों में ही t = 0 पर x1 और x2 दोनों की वैल्यू a बाय 2 है, तो यहां से अपने पास sin phi 1 जो आ रहा है दैट इज कमिंग एज a बाय 2। तो phi 1 की दो पॉसिबल वैल्यूज पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, तो वी विल टेक द पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6 इज रिजेक्टेड। सेकंड वाले पार्टिकल के लिए t by 2 पर x2 की वैल्यू वही a by 2 and that value is equal to sin phi 2, तो phi 2 की वैल्यू इस केस में अपन चूज करेंगे pi by 2 से pi का डाटा that is 5 pi by 6। so दोनों का इनिशियल फेज अपने पास आ चुका है कि phi 1 is equal to pi by 6 and phi 2 is equal to 5 pi by 6, so del phi that is phi 2 minus phi 1 that is 5 pi by 6 minus pi by 6 that value comes as 2 pi by 3। तो दोनों के बीच इनिशियल फेज डिफरेंस जो है that value is 2 pi by 3। फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अ फोर्स एफ वन व्हेन इट एक्ट्स ऑन अ बॉडी कॉजेज इट टू एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड टी वन, वेयर एज अनदर फोर्स एफ टू व्हेन एक्शन ऑन द सेम बॉडी कॉजेज इट टू एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड टी टू, इफ बोथ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी साइमल्टेनियसली एंड द सेम मैनर डिड दे आर ऑलवेज एक्टिंग इन द सेम फेज, ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम विल बी। तो बहुत सिंपल है, अगर सर वैसे ना इस क्वेश्चन में एक्चुअली स्टूडेंट्स जो ना कई बार एक डाउट पूछते हैं कि सर ये जो फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है वो इस दोनों फोर्सेस को कांस्टेंट फोर्स मान लेते हैं, बट एसएचएम में तो फोर्स तो कांस्टेंट फोर्स नहीं है। देखिए यहां पर ना बहुत क्लियरली जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि जो फोर्स है वो एक्टिंग इन द सेम फेज लिखा हुआ है ना, साइमल्टेनियसली इन अ मैनर They always acting in the same phase. नहीं, actually क्या जैसे F1 और F2 जिस way में written है ना, उस way में student ये समझता है कि ये force जो है वो constant force है. This is not a variable force. ये थोड़ा सा उनका confusion रहता है. तो SHM अगर SHM हो रहा है, तो force is definitely not a constant. Not a constant force. चलिए सर, बढ़ाएं question को. तो चलिए देखते हैं. अगर मैं बात करूँ force F1 की बात करूँ, ये general बात पहले करते हैं, है ना? पहले अगर हम एक जनरल बात करें तो फोर्स एफ जो होता है, अगर फोर्स एफ माइनस के एक्स के बराबर है तो हम लोग टाइम पीरियड क्या लिखते हैं, टाइम पीरियड लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो लेट्स से यहां से हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम बाई के। तो यहां पर जो कॉन्स्टेंट के है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ठीक है। इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, एक बार हम लोग इसको सॉल्व करके रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो
हम लोग कह रहे हैं जब हमें फोर्स F1 लगाना था, है ना, जब हमने फोर्स F1 लगाया होगा तो F1 किसके बराबर होगा, लेट्स से माइनस के वन एक्स के बराबर होगा, और फोर्स F2 किसके बराबर होगा, माइनस के टू एक्स के बराबर होगा। जब हमने दोनों फोर्स एक साथ अप्लाई कर दिया तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो बेसिकली F1 प्लस F2 को मैं F लिख देता हूं, और यहां से आ जाएगा माइनस के वन प्लस के टू इंटू एक्स इंटू एक्स। अब जो नया वाला फोर्स है उसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो के वन प्लस के टू है, बिल्कुल है। तो अगर मैं इस वाले यहां से देखूं, है ना, यहां से अगर हम लोग देखें तो अगर हम यहां से लिखेंगे के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के वन प्लस के टू, के वन प्लस के टू, है ना। तो के इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, यहां से इसको लिख सकते हैं फोर पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय टी इक्विवेलेंट का स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं फोर पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय टी इक्विवेलेंट को मैं सिंपली टी रहने देता हूं, ये हो जाएगा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू के वन को अगर यहां से लिखेंगे तो यहां के वन टी वन होगा या के टू होगा या टी टू होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय टी वन का स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय टी टू स्क्वायर। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लेट से अगर हम यहां से अगर हम t स्क्वायर लिखना चाहें, है ना, अगर यहां से t स्क्वायर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर t2 स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रूट में आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सर, t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड वन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा था द फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। इस डायग्राम में अपने को पार्टिकल के ऑसिलेशन का SHM का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बतलाना है। तो यदि मैं इस सिस्टम को देखता हूं तो यदि mg और kx को अपन इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस को, कि mg और kx आउट, ऑब्वियसली इसमें भी कुछ इक्विलिब्रियम में एक्सपेंशन होगा और इसमें भी इक्विलिब्रियम में कुछ एक्सपेंशन होगा, यदि हम फिजिकली ये कह रहे हैं कि जो इनिशियल कंडीशन है उसमें mg को इग्नोर करना चाहते, बिल्कुल यदि g को हम लोग जीरो मान लेते हैं, g को जीरो मान ले तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, और अदरवाइज अगर ऑप्शंस को भी देखें तो टाइम पीरियड में कहीं भी g नहीं आ रहा है, बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड g पे वैसे भी डिपेंड नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो g को शुरू से ही जीरो मान लेते हैं, g को शुरू से जीरो मान ले। अब यदि इफ दिस ब्लॉक डिस्प्लेसेस बाय अ डिस्टेंस स्मॉल x इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो लेट सपोज कि इसमें टेंशन t है, तो ऑब्वियसली इस स्ट्रिंग में कंप्लीट स्ट्रिंग में टेंशन t होगा, बिल्कुल। यदि इस स्प्रिंग में एक्सपेंशन x1 है तो ऑब्वियसली इस वाली स्प्रिंग में भी एक्सपेंशन जो होगा x1 दैट विल बी x1, क्योंकि दोनों स्प्रिंग में टेंशन सेम है, बिल्कुल दोनों स्प्रिंग्स में टेंशन सेम है। और कंस्ट्रेंट मोशन से बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि इसमें यदि डिस्प्लेसमेंट x है तो इस वाली स्प्रिंग का एक्सपेंशन भी x होगा और इस वाली स्प्रिंग का एक्सपेंशन भी x होगा, ये अपन एनएलएम में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, बिल्कुल। तो इस वाले केस में यदि इस बॉडी पर मैं रीस्टोरिंग फोर्स की बात करूं, केवल mg हटा चुके हैं, केवल रीस्टोरिंग फोर्स की, तो बॉडी पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज माइनस टू टी, बिल्कुल, एंड टी इज व्हाट, kx, सो द रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉडी इज माइनस टू kx, सो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी कैन बी रिटन एज माइनस टू के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स इंटू एक्स। लेट्स कंपेयर दिस इक्वेशन विद माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, देन ओमेगा the angular frequency comes as 2k under root 2k by m, so the time period for this oscillation is 2 pi under root mein m divided by 2k, so first one is the correct answer। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल ऑफ मास 5 into 10 to the power minus 5 kg is placed at the lower point of a smooth parabola x square equal to 40y, ठीक है, x and y in centimeter, if it is displaced slightly such that it is constrained to move along the parabola, the angular frequency of the oscillation will be approximately, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक पैराबोला है, लेट्स से एक पार्टिकल को हमने यहां पर जो है मे बी एक बीड मान सकते हैं जो कि वायर में फंसा हुआ है, ठीक है, तो ये बीड जो है ये यहां से यहां तक ये ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, और ऑफ कोर्स हम ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग एक्स माने, है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है। अब देखते हैं इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे। एक फोर्स यहां पर नीचे की तरफ लग रहा होगा mg,
ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट बनाए और अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो एम जी का दो कॉम्पोनेंट आएगा, ये वाला कॉम्पोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, ये वाला कॉम्पोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा के अगेंस्ट एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये एम जी कॉस थीटा को कैंसिल करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम देखें है ना, तो बॉडी में जो रीस्टोरिंग फोर्स है That is only mg sin theta. mg sin theta. तो ये normal reaction और ये mg cos theta तो cancel out हो गया, तो body के ऊपर जो net force बचा वो सिर्फ mg sin theta बचा। और एक छोटी सी बात और, हम साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये जो x है ये बहुत छोटा है, अगर x बहुत छोटा है तो इसका मतलब है कि ये theta भी बहुत छोटा होगा, बिल्कुल। theta अगर बहुत छोटा होगा तो इस फोर्स को हम लोग mg sin theta के बदले सिर्फ mg theta लिख सकते हैं, या फिर mg sin theta के बदले mg tan theta लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, ठीक है। और ये जो tan थीटा है ये स्लोप के बराबर है, स्लोप dy by dx हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये जो फोर्स F हो जाएगा, फोर्स F हो जाएगा mg into dy by dx। यहां से देखिए तो यहां से देखिए x स्क्वायर जो है ये 40y के बराबर है, तो dy by dx जो होगा है ना, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है ये 40y है, तो dy by dx की वैल्यू हो जाएगी x डिवाइडेड बाय 20। तो यहां से फोर्स कितना हो जाएगा, यहां पे फोर्स हो जाएगा एम जी एक्स डिवाइडेड बाय 20। इसको हम लोग कंपेयर कर ले एफ इज इक्वल टू के एक्स से, है ना, डायरेक्शन तो ऑब्वियसली ऑपोजिट है, वो आपको लिख रहा है, ठीक है। तो k की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एम जी बाय 20। तो टाइम पीरियड लिख लेते हैं, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, तो 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय k हो जाएगा mg बाय 20। तो ये टाइम पीरियड हो गया। अगर ओमेगा लिखना है तो ओमेगा को हम लोग सिंपली रूट जी बाय 20 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। अगर ऑप्शंस देखें तो ओमेगा पूछा है, ओमेगा पूछा है, तो सेकंड आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दैट अ पेंडुलम ऑफ लेंथ l हैज टाइम पीरियड कैपिटल t फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, एन ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड डायरेक्टली बीनीथ द पाइवट so that only the lowest one quarter of the string can follow the pendulum bob when it swings in the left of its resting position as shown in the figure. Time taken by the bob to return to position A as released from the this that position. So, बहुत simple सा question actually कुछ ऐसा है कि अपन ने यहाँ से छोड़ा, फिर ये mean position तक पहुँचा, उसके बाद ये यहाँ पर oscillate करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन जब ये यहाँ oscillate करेगा इसका length तो L by 4 हो जाएगा, L by 4 length के L by 4 length में करेगा। वैसे L length के लिए टाइम पीरियड यदि T है तो T का फॉर्मूला अपने पास है 2 pi under root L by Z, ठीक है। अब ये जब ये इधर मूव करेगा तो फ्रॉम फर्स्ट इट विल मूव फ्रॉम A टू B, देन इट मूव फ्रॉम B टू C, बट B टू C में ये एक ऐसे पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा होगा जिसकी लेंथ L by 4 है। तो जब ये वापस C से B और वापस B टू A आएगा, तो यदि एक केवल एक कंप्लीट L लेंथ का पेंडुलम होता तो उसका हाफ पार्ट ये परफॉर्म कर रहा है A से B और B से A में, और यदि एक L by 4 लेंथ का पेंडुलम होता तो उसका भी हाफ पार्ट परफॉर्म कर रहा है। तो इस केस में जो नया टाइम पीरियड है दैट इज L लेंथ के साथ जो पेंडुलम का होना चाहिए उसका हाफ परफॉर्म कर रहा है, और L by 4 लेंथ के साथ जो पेंडुलम का होना चाहिए उसका भी हाफ परफॉर्म कर रहा है। तो ये 2 से 2 ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट, दिस वैल्यू इज पाई अंडर रूट एल बाय जी, दिस इज पाई अंडर रूट एल बाय 2 जी, सो दिस इज 3 बाय 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। जी थोड़ा सा इसको सजा के लिख देते हैं, 3 बाय 4 2 पाई अंडर रूट एल 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, सो दैट इज द टाइम पीरियड। थर्ड आंसर सही है, सो इसका जो थर्ड आंसर है वो अपने पास करेक्ट आ गया। चलिए सर आगे बढ़ाने बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। A man is swinging on a swing made of two rope of equal length L in the direction perpendicular to the paper. तो ये एक swing है और यहाँ पर आदमी है, ठीक है। तो आपको बता रहा है इसका time period क्या होगा? तो ये जो swing है ना, ये आदमी जो oscillate कर रहा है, ये board के plane के perpendicular oscillate कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं इसको इस side से खड़े होकर देखो, side से, है ना? तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा इस pendulum का जो length है, मुझे ये एक स्ट्रिंग दिखेगा, ये दो स्ट्रिंग नहीं दिखेगा, मुझे एक स्ट्रिंग दिखेगा, और ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो मुझे दिखने वाला है L root 3 divided by 2। तो
वैसे तो चाहे तो हम लोग इसे फिजिकल पेंडुलम मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, क्योंकि ये जो रस्सी है ना, रस्सी का कोई मास तो है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ एल रूट थ्री बाय टू है, तो हम लोग सीधे सीधे टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा देते हैं, टू पाई अंडर रूट एल बाई जी लिखना होता है, तो एल की जगह पर लिखेंगे एल रूट थ्री बाय टू जी जी, तो आंसर हमारा सेकंड वाला आएगा। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन है। सो बोल रहा है दैट अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग इन अ सिलिंड्रिकल रीजन थ्रू रेडियस 5 आर, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। ठीक है जी सर, तो क्वेश्चन एक्चुअली कुछ ऐसा है कि यहां पर मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस है आर, और ये जो सिलेंड्रिकल रीजन है इसकी रेडियस है 5 आर। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि यदि ये प्योर रोलिंग मोशन में है और लेट सपोज ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है, तो इसका जो एक्सिलरेशन आता लीनियर एक्सिलरेशन वो मेरे पास आता है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये मैं आई बाय एम आर स्क्वायर। ये रोटेशनल मोशन का एक फॉर्मूला है जिसको मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, कि एक्सिलरेशन का एक बहुत स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², तो इसका जो लीनियर एक्सिलरेशन मेरे पास आएगा That value is g sin theta divided by 1 plus a solid sphere ke liye moment of inertia 2/5 mr², that value is 2/5 so this value comes as 5g sin theta divided by 7 ye iska linear acceleration ye wala but ye actually shm perform kar raha iske about to mere ko iske bare mein sochna hai okay fir let's suppose iske about iska angular acceleration alpha hai और इसके अबाउट इसका एंगुलर एक्सीलरेशन इधर मान ली अल्फा डैश और इधर अल्फा है अल्फा। तो सर सबसे पहले तो मैं सॉलिड स्फीयर के लिए बात करूं, तो ये सॉलिड स्फीयर की मान लो लीनियर वेलोसिटी वी है, ये वाली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो यदि ये प्योर रोलिंग मोशन में तो वी इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा, लेकिन ये इस वाले पॉइंट के अबाउट यदि मैं इसके सेंटर को देखता हूं तो इसका सेंटर मेरे को प्योर रोलिंग में प्योर रोटेशनल मोशन में नजर आएगा, मतलब ये एक बिल्कुल पेंडुलम की तरह होगा। हाँ। तो ये वाली जो लेंथ है सेंटर से ये तो 5r - r दैट लेंथ विल बी 4r, तो इसके अबाउट इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है बट ओमेगा डैश इनटू 4r वो इसके सेंटर की वेलोसिटी के इक्वल होगा दैट इज वी, देन ओमेगा डैश इज v/4r, देन दैट वैल्यू इज v/4r बोले तो ओमेगा डैश इज ओमेगा/4, so I can say that इसके about जो angular acceleration alpha dash है, उसके साथ भी यही relation होगा। और ये वाला जो relation है, तो अपन ये बोल सकते हैं यहाँ से alpha की value तो a by r, तो this value comes as a divided by 4r, and what is the acceleration? It is 5g sin theta divided by 7, तो इसके about इसका angular acceleration जो मेरे पास आ रहा है, that value is coming as 5g sin theta divided by 28 r, एंड ऑब्वियसली जब ये बॉडी इधर जा रही है मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर है बट mg की वजह से ये बॉडी किधर मूव करेगी, चाहे वो ऊपर भी जाए तो फोर्स तो इधर ही लगेगा, मतलब ये जो टॉर्क है mg की वजह से दैट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क, सो वी कैन से वी कैन यूज माइनस ही, बिल्कुल। और यदि हम स्मॉल ऑसिलेशंस की बात को थीटा पे लिख सकते, बिल्कुल स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए दिस कैन बी रिटन एज -5g divided by 28 r into theta into theta, let's compare this equation with -omega square theta, then omega comes as √5z divided by 28 r, so the time period for this situation is 2π √28 r divided by 5g, so यदि अपन इसमें बात करें तो करेक्ट आंसर जो अपना आ रहा है 2π √28 r divided by 5g, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को जी, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अगला क्वेश्चन जो है मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ सीधे, है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक रॉड है हमारे पास जिसका मास m दे रखा है, ठीक है, और इसके एंड पे है ना, डायग्राम ये थोड़ा सा ऊपर है बट हम लोग इसको मान रहे हैं कि बिल्कुल एंड पे जो है यहाँ पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। और इस रॉड को यदि हम थोड़ा सा जो है इस ये रॉड जो है वो इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया हुआ है, तो इस रॉड को हम लोग क्या कर सकते हैं थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं, या तो स्प्रिंग को कंप्रेस हो जाएगा, इधर रोटेट करेंगे तो थोड़ा सा स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाएगा, और थोड़ा सा इसको हम लोग रोटेट करके छोड़ दे ये रॉड जो है इसके अबाउट क्या करेगा इस तरह से एसएचएम करेगा, ठीक है। तो आपको इस एसएचएम का टाइम पीरियड बताना है,
तो देखिए ध्यान से, अगले स्लाइड में करते हैं। तो देखते हैं, ये हमारे पास रॉड है, ठीक है, और यहां हमारे पास स्प्रिंग है, यहां हमारे पास स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इससे कनेक्टेड है। इस रॉड का जो लेंथ है वो एल मान लेते हैं, है ना। देखो, मान लेते हैं कि इस रॉड को जो है हमने थीटा एंगल से, लेट्स ऑब्वियसली ये थीटा जो होगा ये बहुत बहुत छोटा होगा, तो बहुत छोटे एंगल से हमने इसे एक्सपैंड कर लिया, तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, और ये जो स्प्रिंग में एलोंगेशन हुआ है ये एक्स के बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस रॉड के ऊपर फोर्स क्या क्या लग रहा होगा। इस रॉड के ऊपर एक तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा जो कि के एक्स के बराबर होगा। सेंटर से अगर देखेंगे तो सेंटर से एक एमजी और लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस अगर एक्स होगा तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक ये एक्स बाय टू होगा, ये एक्स बाय टू के बराबर होगा। और इस हिंज के अबाउट, इस हिंज के अबाउट अगर हम लोग टोटल टॉर्क देखें, है ना, तो टॉर्क दो तरह का होगा, एक स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क और एक एमजी का टॉर्क। अगर आप ध्यान से देखें तो स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क और एमजी का टॉर्क दोनों एक ही डायरेक्शन में है, स्प्रिंग का भी फोर्स का और एमजी का दोनों का टॉर्क इसी डायरेक्शन में है, और ये दोनों जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो अगर हम एमजी का टॉर्क लिखेंगे तो एमजी का टॉर्क हो जाएगा एमजी इनटू एक्स बाय टू, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स का अगर टॉर्क लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के एक्स इनटू, है ना, प्लस के एक्स इनटू, यदि रॉड का लेंथ अगर एल है तो ये हो जाएगा एल। एक छोटी सी बात और देखते हैं, थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाय एल, है ना। थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाय एल, एक्स को लोग लिख सकते हैं एल थीटा। यहां से जो टॉर्क आ जाएगा ये आ जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय टू इंटू एल थीटा प्लस के एल स्क्वायर थीटा इंटू एक्स के बदले लिखेंगे एल थीटा, और एक एल और है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। यहां से टॉर्क जो आ गया ये आ जाएगा एम जी एल डिवाइडेड बाय टू प्लस के एल स्क्वायर तो टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट आई बाय के, है ना। और ये जो के है ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी हो गई, यहां से आप लिख लीजिए टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई को क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये एंड से हिंज किया हुआ है। और के को लिख सकते हैं क्या, यहां पर ना एक एल कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा एम जी, ये एक बार ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा एम जी एल बाई 2 प्लस 2 के एल स्क्वायर, 2 के एल स्क्वायर, ठीक है, और एक 2 यहां पे ऊपर आ जाएगा, तो एक एल और एक एल और एक एल यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट 2 एम एल डिवाइडेड बाय 3 एम जी प्लस 6 के एल प्लस 6 के एल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहां से यदि अपन बात करें तो थर्ड आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो है एक पैराग्राफ है, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, 12, 13 एंड 14 होते हैं। तो 12 के लिए यदि अपन बात करें, ये बोल रहा है दैट सिंपल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन एफ इज इक्वल टू माइनस 4x। दैट मींस यहां से अपने को सबसे पहले k की वैल्यू प्रोवाइड कर दी, दैट द k इज 4, बिल्कुल ठीक है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 10 जूल, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 मीटर, ओके। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी की यदि मैं बात करूं ना, तो बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी SHM में जनरली अपन ये याद रखते हैं और इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल। दिस एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन। तो ये बोल रहा है कि टोटल एनर्जी 10 जूल है और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 2 मीटर है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास ऑफ द पार्टिकल इज दिस। तो ये जानना चाह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो यदि मैं हाफ के ए स्क्वायर वाला डाटा कैलकुलेट करता हूं तो हाफ के इज व्हाट 4, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज व्हाट 2 मीटर, सो इट इज 2 इनटू 2, 2 तो सही हो गया, दिस वैल्यू कम्स एज 8 जूल। मतलब जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी SHM के ड्यूरेशन में है, जो SHM की वजह से, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर एंड दैट इज 8 जूल, एंड दिस टोटल एनर्जी इज 10, सो द मीन
पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजिशन विल बी 2 जूल. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को. चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं. अगले क्वेश्चन पूछा हुआ है द डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल इज, है ना, और क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखें इनिशियल एक्सीलरेशन होगा तो इसका मतलब जो पार्टिकल है वो कुछ नेगेटिव एक्सट्रीम पर होगा. बिल्कुल, है ना. तो पार्टिकल अगर नेगेटिव एक्सट्रीम पर होगा, अगर हम इसको फेजर डायग्राम में भी देखेंगे, है ना, फेजर डायग्राम में देखेंगे तो इनिशियल टाइम पर जो इसका फेज है वो पाई के बराबर है. ठीक है. और एसएचएम का इक्वेशन अगर हम लोग लिखें x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस पाई के हेल्प से, तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा t प्लस पाई, ओमेगा t प्लस पाई. और cos पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है. अगर हम ऑप्शन में देखें ना तो माइनस cos थीटा जैसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो ये none of these जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अगले क्वेश्चन में बोल रहा है दैट x इक्वल्स टू प्लस 1 मीटर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करवा रहा है. तो मैं यदि टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी रिमूव कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी बॉडी की दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर को मैं जैसा अपन ने स्टार्टिंग में इक्वेशन में किया था v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर उससे रिप्लेस कर दूं दिस वैल्यू इज ओमेगा स्क्वायर साथ में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो m ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज k/2 दैट विल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो k की वैल्यू तो 4 है 4/2. व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड इज 2 सो दिस वैल्यू इज 4 एंड पोजीशन जो ये बोल रहा है दैट इज एट x इक्वल्स टू प्लस 1 सो माइनस 1 so this value comes as this is 2 this is 3 so this value comes as 6 joule so the potential energy at this position is 6 joule and the total energy is 10 joule kinetic energy is 6 joule and the total is 10 the potential will be 4 joule so fourth one is the correct answer. तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. तो क्वेश्चन नंबर 15 में है a large tank of cross section area A contains liquid of density rho. A cylinder of density rho by 4 in the length L and cross section area A is kept in equilibrium by applying an external vertical downward force as shown. The cylinder is just submerged in the liquid at equal to zero. The external force is removed simultaneously. Assume that the water level in the tank remains constant. ठीक है. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि हमने एक सिलेंडर को जो है जिसका लेंथ L है डेंसिटी रो बाय 4 है इसको दबा करके है ना इस जगह पर इक्विलिब्रियम में रखा है और इसकी डेंसिटी कम है तो ये फ्लोट करना चाहेगा. तो जैसे ही हम लोग ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इस पर ऊपर की डायरेक्शन में जो पॉइंट फोर्स लगेगा और वो mg से बड़ा होगा तो उसके कारण इसका एक्सीलरेशन कितना होगा. ठीक है. तो देखिए अगर ये हमारे पास ये हमारा ब्लॉक है इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स mg लगेगा और ऊपर की डायरेक्शन में एक बॉइंट फोर्स लगेगा. ठीक है. mg को अगर हम लोग देखें तो ये लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जो है वो इसकी रो बाय 4 है इनटू जी और जो बॉइंट फोर्स होगा ये डूबा हुआ वॉल्यूम वी है. ठीक है. लिक्विड की डेंसिटी रो है इनटू जी. ठीक है. तो अगर हम नेक्स्ट पेज में देखें और अगर हम इसका एक्सीलरेशन लिखना चाहें इसका एक्सीलरेशन जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा. ठीक है. तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वी रो जी माइनस वी रो जी बाय 4 तो ये हो जाएगा 3/4 times v rho g. The total force is equal to mass times acceleration. और mass किसके बराबर है? Mass जो है वो v into rho by 4 के बराबर है. बिल्कुल. ठीक है. तो mass जो है वो v into rho by 4 के बराबर है. तो v 4 और ये rho cancel हो गया. तो ये जो इसका acceleration आ गया, ये आ गया 3 times g. बिल्कुल. ठीक है. तो options अगर देखें तो अपना जो correct answer. तो third answer जो है ना, third answer correct हो जाएगा. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. नेक्स्ट क्वेश्चन वही अपना पैराग्राफ है बस इसमें ये बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट रीचेज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन कि जब ये सिलेंडर इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है तो स्पीड क्या होगी. तो एक्चुअली अपन इस क्वेश्चन को डील करना चाहें तो वैसे ये क्वेश्चन एसएचएम का क्वेश्चन है. बिल्कुल. और एसएचएम के केस में यदि मैं जैसे सबसे पहले तो इसकी मीन पोजीशन देखूं कि मीन पोजीशन क्या होती है तो मीन पोजीशन के केस में
इस पर नेट फोर्स जीरो होता है, मतलब mg जो है वो fb से बैलेंस हो जाता है। तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो mg एक्टिंग होगा दैट विल बी v into rho by 4 into g, बिल्कुल। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो fb एक्टिंग होगा उसकी वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। तो लेट सपोज कि यहां से ये x डिस्टेंस तक सबमर्ज्ड है, बिल्कुल, और मैं इसके जो डाउनवर्ड पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको a लिख लेता हूं। तो fb विल बी v in, v in इज a into x into rho liquid that is rho into में g into g। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो a x rho g comes equal to वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं a into l into rho g divided by 4। तो a rho g तो कैंसिल आउट हो गया, तो इनसाइड में जो सबमर्ज्ड लेंथ है वो l by 4 है। और अभी इनिशियल की बात करूं तो ये इनिशियली मेरे पास l डिस्टेंस तक सबमर्ज्ड है, तो मतलब मीन पोजीशन से पार्टिकल के इस वाले मीन पोजीशन से अपन डिस्टेंस देखे तो ये नीचे 3L by 4 डिस्टेंस ज्यादा है, मीन तरह से एम्पलीट्यूड हो गया 3L by 4, बिल्कुल। तो ये SHM का एम्पलीट्यूड हो गया। तो मेरे को मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मीन पोजीशन पर तो SHM में वेलोसिटी होती है v is equal to omega into a। तो इफ एनीहाउ मैं ओमेगा कैलकुलेट कर दूं तो वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी। चलिए ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए लेट सपोज मैं इसको y डिस्टेंस से एक्स्ट्रा डिस्प्लेस कर देता हूं, तो इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, भाई अभी वही पुरानी वाली बात की mg हटा दो fb हटा दो शुरू वाला, तो एक्स्ट्रा जो fb आ रहा है दैट विल बी द फोर्स फॉर रीस्टोरेशन, बिल्कुल। सो लेट सपोज कि y डिस्टेंस और सबमर्ज हुआ, तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम सबमर्ज हो रहा है दैट इज एरिया इनटू द लेंथ y, बिल्कुल, इनटू लिक्विड की डेंसिटी रो इनटू g। mg और fb इनिशियल वाले हटा दिए तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है, तो बॉडी का जो एक्सीलरेशन है लेट सपोज मैं उसको f से डिनोट करूं, that is ay rho into g divided by the mass, and the mass is al rho by 4 into g to g। So a rho g ye cancel out ho gaya, this data comes as minus 4, सॉरी ये जी कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि मास है, मास जी नहीं आएगा, तो जी नहीं आएगा, ये जी नहीं आएगा, तो ऊपर वाला जो जी है वो अभी भी रिमेन रहेगा। तो डाटा जो अपने पास आ रहा है माइनस फोर जी बाई एल इंटू वाई, दिस इज द एक्सीलरेशन इन एसएचएम। तो एक्सीलरेशन एसएचएम से यदि कंपेयर करें तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, तो ओमेगा की जो वैल्यू अपने पास आ रही है दैट इज अंडर रूट 4g डिवाइडेड बाई एल। तो मीन पोजिशन पर बॉडी की जो वेलोसिटी होगी दैट इज ओमेगा, ओमेगा इज अंडर रूट 4g बाई एल into the amplitude, amplitude of oscillation is 3L by 4. तो यहां से जो वैल्यू आ रही है अपने पास 3 by 2 under root of ZL. तो इस केस में बॉडी की जो वेलोसिटी है मीन पोजीशन पर दैट इज अंडर रूट 3 by 2 root ZL. तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर its release at t equal to 0 the time taken by the cylinder to reach the equilibrium position। तो ये देखिए हमने ओमेगा कैलकुलेट किया था है ना, और ओमेगा की वैल्यू y थी अंडर रूट 4g डिवाइडेड बाय l है ना, ये ओमेगा की वैल्यू y थी। अगर हम यहां से टाइम पीरियड निकालेंगे ना तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाय 4g, ठीक है। लेकिन अब यहां से देखते हैं, यहां पे पूछा है कि ये जो ब्लॉक था ये यहां पर सबमर्ज था, ठीक है, और उसको इक्विलिब्रियम तक आना है ना। तो इक्विलिब्रियम तक आने के लिए अगर आप देखें तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन से एक मीन पोजीशन तक गया, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन से एक मीन पोजीशन तक जो टाइम लगता है वो टी बाय 4 लगता है। तो जो अपने को टाइम लगेगा वो टी बाय 4 के बराबर होगा है ना, जो अपने को टाइम लगेगा वो किसके बराबर होगा, टी बाय 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर देखें तो ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 4 टाइम्स पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सर। सो अगर अपन देखें तो अगर देखें तो थर्ड जो है थर्ड आंसर जो है हमारा, ठीक है। चलिए सर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दैट अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज अटैच्ड टू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k, अदर एंड व्हिच इज फिक्स्ड फ्रॉम वॉल of a truck as shown in the figure. The block is placed over a smooth surface and initially the spring is unstretched. Suddenly the truck starts moving towards right with a constant acceleration a naught as seen from the truck. Okay. और इसमें कुछ options बोले हैं कि particle SHM execute करता है, particle का time period पूछा है, amplitude of oscillation पूछा है और energy पूछी है SHM की।
तो सर इस क्वेश्चन में भी अपन बात करें, सबसे पहले तो चलो मैं मीन पोजीशन की बात कर लेता हूं कि लेट्स सपोज ये एसएचएम नहीं कर रहा है, यदि नहीं करता और केवल इक्विलिब्रियम में होता तो इस पर कार्ट इधर ए नॉट एक्सेलरेशन से मूविंग है तो इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एम ए नॉट लग रहा होता और इधर फोर्स लग रहा होता के एक्स नॉट। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो इसके पास एक्सपेंशन है स्प्रिंग के पास, दैट इज एम ए नॉट बाय के बाय के। तो अभी यदि मैं इनिशियल कंडीशन से कंपेयर करता हूं कि इनिशियली ब्लॉक यहां था और इक्विलिब्रियम यदि यहां है और एसएचएम कर रहा है तो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, बिल्कुल, और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन अपने पास एक्स नॉट हो गया, दैट वैल्यू इज एम नॉट एम ए नॉट डिवाइडेड बाय के। अच्छा अब यदि मैं इस केस में टाइम पीरियड की बात करता हूं तो स्प्रिंग वाले केसेस में तो टाइम पीरियड अपने पास 2 पाई अंडर रूट एम बाय के होता है। यदि अपन उसको सोल्व करना चाहें तो लेट सपोज कि ये मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस इधर ओ डिस्प्लेस हो गया, तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो गया एक्स नोट प्लस एक्स और इधर फोर्स है एम ए नोट। अब बॉडी का मीन पोजीशन से इधर डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो पोजीशन की डायरेक्शन की फोर्सेज नेगेटिव और अपोजिट फोर्सेज, सॉरी पोजीशन की डायरेक्शन की फोर्सेज पॉजिटिव और अपोजिट नेगेटिव, तो फोर्स एफ की वैल्यू जो अपने पास आ रही है दैट इज एम ए नोट माइनस में के एक्स नोट प्लस एक्स, so that value is minus kx, minus kx, और acceleration की value अपने पास divided by m, यदि compare करेंगे तो minus omega square x, तो omega की value वही, तो time period वही आता है। तो यदि अपन यहाँ से बात करें तो first option तो अपना correct हो गया कि SHM execute करेगा, time period ये होगा, amplitude of oscillation ये होगा। अब वो energy की बात कर रहा है, energy of oscillation, तो energy of oscillation तो half के a square होता है, a square होता है, तो half के a square की बात करें तो this value is m square a node square divided by के स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू जो अपने पास आ रही है दैट इज एम स्क्वायर ए नोड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के, जबकि इस क्वेश्चन में उस वैल्यू को गिवन है एम स्क्वायर ए नोड स्क्वायर बाय के बाय के, सो फोर्थ इज द इनकरेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को, क्वेश्चन नंबर 19 ये ठीक अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार वाला सर, ध्यान से देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है। ये हमारे पास एक रॉड है, है ना, इस रॉड पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट को हम लोग बी बोल रहे हैं और एक पॉइंट हम लोग ए बोल रहे हैं, ठीक है। और ये रॉड जो है ये एक मासलेस रॉड है, यहां हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इसके साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है। अब कह रहे हैं कि यदि हम लोग इस ब्लॉक को नीचे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, है ना, तो ये सिस्टम जो है ये एसएचएम करेगा, तो हमें उस एसएचएम का टाइम पीरियड बताना है, है ना? तो पूछा है कि फाइंड द पीरियड ऑफ द स्मॉल वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ द मास एम अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। एक छोटी सी बात जो कि हम लोग बार बार कहते हैं, है ना, कि जो स्प्रिंग ब्लॉक वाले सिस्टम होते हैं उसका टाइम पीरियड जो है वो जी पर डिपेंड नहीं करता है, तो यहां भी हम लोग कह सकते हैं कि जी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ग्रेविटी फ्री स्पेस में ही सॉल्व करें तो इससे क्या है कि बहुत सारा कैलकुलेशन जो है वो यूं ही बच जाता है, बिल्कुल, ठीक है। चलो अब यहां से देखते हैं, मान लेते हैं कि हमने इस ब्लॉक को, है ना, इस ब्लॉक को हम लोग यहां से मूव कराए नीचे की डायरेक्शन में, लेट्स से नीचे एक्स मूव कराते, नीचे एक्स मूव कराएंगे तो ये रॉड जो है ना, ये रॉड थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट हो जाएगा, तो ये रॉड थोड़ा सा इस तरह से रॉड टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ए है ये मूव करके यहां पहुंच जाएगा। अब एक बार ध्यान से देखिए, ये ए वाला पॉइंट जितना मूव करेगा ये ब्लॉक भी उतना ही नीचे जाएगा, इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये एक्स के बराबर है, बिल्कुल सर। और जो बी वाला पॉइंट है ये जो यहां से यहां तक मूव करके गया ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको मैं एक्स वन बोल देता हूँ, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो एंगल जितने एंगल से मूव किया है, लेट से ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये रॉड यहां पर है, ये रॉड यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां से देखते हैं तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि थीटा जो है और ए से बी, ए से ओ तक का जो डिस्टेंस है इसमें इसे स्मॉल ए बोल रहे हैं, बी से ओ तक का जो डिस्टेंस है इसे स्मॉल बी बोल रहे हैं। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लिख सकते हैं लेट से एक्स डिवाइडेड बाय ए, इसको लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाय ए, या इक्वल टू थीटा को और क्या लिख सकते हैं, थीटा को और हम लोग लिख सकते हैं एक्स वन डिवाइडेड बाय बी, है ना। तो यहां से अगर हम लोग एक्स वन को अगर हम लोग एक्स की टर्म्स में लिखना चाहे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं बी एक्स डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, अब ध्यान से देखें, यदि मैं इस रॉड के ऊपर, इस रॉड के ऊपर फोर्सेस देखूं और उस फोर्सेस के कारण टॉर्क देखें, तो रॉड मासलेस है, रॉड मासलेस है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो होगा, जीरो। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा, अगर मैं एक इक्वेशन लिख के देखूं कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना,
तो आई अगर जीरो है इसके ऊपर नेट टॉर्क डेफिनेटली जीरो होना चाहिए। बिल्कुल, तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका मिला करके टोटल टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या टॉर्क लग रहा होगा। एक टॉर्क लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स के कारण और एक टॉर्क लग रहा होगा टेंसर के कारण। तो स्प्रिंग फोर्स जो है, अगर स्प्रिंग का एलोंगेशन x1 है तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा, ये लग रहा होगा kx1। ठीक है, तो ये लग रहा होगा kx1 into, और ये कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, यहां से b डिस्टेंस पर लग रहा है। ये वाला टॉर्क जो होगा, ये वाला टॉर्क लेट्स से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो टेंशन का टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा सेंटर की, इसके अबाउट अगर वो पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो टेंशन का टॉर्क इक्वल होना चाहिए, तो कितना की टोटल कैंसिल हो जाए, तो टेंशन का टॉर्क होगा t into परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से हम लोग a लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, तो यहां से जो टेंशन t की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी k x1 b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, और x1 की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। तो यहां से जो टेंशन t आ जाएगा, यहां से टेंशन t हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे kb डिवाइडेड बाय a, यहां से लिखेंगे के बी डिवाइडेड बाय ए, और एक्स वन की वैल्यू लिखेंगे बी एक्स डिवाइडेड बाय ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स। तो इससे हमें टेंशन मिल गया। ठीक है, अब यदि हम इस ब्लॉक की बात करते हैं, ध्यान से देखें इस ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट एक्स नीचे की तरफ है, इस पर टेंशन टी ऊपर की तरफ है, तो एक्स और टी जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग उसको यहां पर एक माइनस लगा सकते हैं, और ब्लॉक के ऊपर एक ही फोर्स बस टेंशन है और कोई फोर्स नहीं है क्योंकि हमने ग्रेविटी जीरो मान ही लिया। बिल्कुल, ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो टर्म हो गया kb स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ फोर्स, है ना, इक्वल टू kx से कंपेयर करेंगे तो ये जो है ये बेसिकली k इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है सर, नेक्स्ट पेज में आए। बिल्कुल सर, तो अगर हम यहां से ये हमारा टेंशन हो गया, सिर्फ इस बार टाइम पीरियड को हम लोग स्मॉल t लिख देते हैं, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट को लिखेंगे kb स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा kb स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई a डिवाइडेड बाय b अंडर रूट m बाय k, तो ये टाइम पीरियड आ गया और यही हमसे पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें बोल रहा है कि कंसीडर ए होलो सिलेंडर ऑफ रेडियस r रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, द मास ऑफ सिलेंडर इज m, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज i इक्वल्स टू mr स्क्वायर, द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज कनेक्टेड टू ए फिक्स्ड वॉल बाय ए लाइट स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k as shown इन द फिगर, फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ hsm। मतलब ये कुछ ऐसे रोल करता हुआ इधर जा रहा है फिर वापस रोल करता हुआ आ रहा है, तो मेरे को इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ hsm कैलकुलेट करना है। आई थिंक इस टाइप वाले क्वेश्चन जो है ना सर, यदि उसको एनर्जी मेथड से अपन करते हैं ना तो बहुत आसान हो जाते हैं। लेट्स सपोज कि किसी टाइम पर सिलेंडर यहां है, स्प्रिंग में एक्सपेंशन एक्स है, बिल्कुल सिलेंडर के सेंटर के पास वेलोसिटी वी और एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा है। तो यदि मैं ऐसे जब मैं टोटल एनर्जी लिखूंगा प्रेजेंट टाइम में, देन दैट वैल्यू विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल, तो एनर्जी जो अपने पास आ रही है, दिस वैल्यू इज kx स्क्वायर बाय 2 प्लस mv स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर एंड द ओमेगा स्क्वायर इज v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। बिल्कुल, तो r स्क्वायर तो सही हो गया, दिस वैल्यू इज mv स्क्वायर बाय 2 प्लस mv स्क्वायर बाय 2 दैट इज mv स्क्वायर, तो एनर्जी आ गई kx स्क्वायर बाय 2 प्लस mv स्क्वायर। बिल्कुल, नाउ अब ये एनर्जी hsm की कांस्टेंट रहनी चाहिए। बिल्कुल, तो hsm की एनर्जी कांस्टेंट है तो dE बाय dt फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी जीरो। तो यहां से यदि अपन बात करें k by 2 x square का डिफरेंशिएशन 2x into dx by dt is v plus mv square, v square का डिफरेंशिएशन 2v dv by dt is a equals to zero। बिल्कुल, तो एक तो ये 2 सही हो गया, एक ये दोनों से v सही हो गया, दिस वैल्यू माइनस kx comes as 2m into v, 2 सॉरी v कैंसिल आउट, 2m into a, तो एक्सीलरेशन comes as माइनस k डिवाइडेड बाई 2m into x। यदि अपन इसको SHM से कंपेयर करें तो ओमेगा की जो वैल्यू अपने पास आ रही है, दैट वैल्यू इज कमिंग एज अंडर रूट k डिवाइडेड बाई 2m। अब पूछा गया अपने से फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, मतलब ओमेगा की वैल्यू पूछी है, तो इस केस का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट k डिवाइडेड बाई 2m। ओके डियर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड इन SHM। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
जिसमें अपन इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को लेकर डिस्कशन करेंगे। ठीक, थैंक यू।